कक्षा 8 के गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 को। ये प्रश्न है बच्चों, एक आयतकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यानी एक आयतकार तरण ताल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर अधिक है बच्चों। और इसका दिया है, इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो हमें पता है बच्चों, जो आयत होता है उसकी चार भुजाएं होती हैं और वो उसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो ये एक आयत है, यहाँ पर इसे बच्चों हम मान लेते हैं कि ये इसकी लंबाई है और ये वाली भुजाएं इसकी चौड़ाई है। तो जैसा कि इसमें दे रहा है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है, तो हम इसकी चौड़ाई को हम इसे x मान लेंगे कि माना तरण ताल की चौड़ाई x मीटर है। तो इसकी अगर चौड़ाई x मीटर है बच्चों, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक, तब इसकी लंबाई बराबर इससे दुगना यानी कि 2x और 2 मीटर अधिक, इतनी इसकी लंबाई हो जाएगी बच्चों। अब इसमें दिया है कि इसका परिमाप जो है वो 154 मीटर है। तो हम जानते हैं बच्चों, जो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई है, ये आयत का परिमाप है, वो हमें दे रहा है बच्चों 154 मीटर। तो यहाँ पर हम 154 रख देंगे, ये 154 रख दिया बराबर 2। और इसकी जो लंबाई है वो है 2x धन 2, तो लंबाई की जगह पे हम रख देंगे 2x धन 2 और धन, और इसकी चौड़ाई की जगह पे हम रख देंगे x। तो ये परिमाप है वो ऐसा के ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, 154 और ये 2, और ये 2x और धन x ये हो जाएंगे 3x, तो ये हो जाएंगे 3x धन 2। फिर इस 2 का इस कोष्टक में अंदर गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 154 बराबर 2 का 3 में गुणा करा तो ये हो गया 6x, और 2 का 2 में गुणा करा तो ये हो गया 4। अब इस 4 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये 4 जो धन के इधर, ये हो जाएंगे इधर आके ऋण के 4, तो ये हो जाएगा 154 ऋण 4 बराबर 6x। अब 154 में से जब 4 जाएंगे तो बच्चों बचेगा 150 और बराबर में 6x। जो ये 6 हैं वो गुणा में है, इस तरफ आके ये भाग में हो जाएंगे, तो इधर कर लेते हैं इसे, 150/6 आ जाएगा ये, 150/6 और बराबर में x। अब इस 6 से इस 150 में हम भाग देते हैं, तो ये 6 × 6, 6 × 12, 15 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 3, और ये हो जाएगा 30, तो ये 6×5=30। तो जो x का मान आया है वो आया है 25, x बराबर 25, और हमने x जो माना था वो तरण ताल की चौड़ाई मानी थी, तो ये तरण ताल की चौड़ाई निकल आई है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम तरण ताल की चौड़ाई बराबर बराबर 25 मीटर, और जो इसकी लंबाई है बच्चों वो है 2x धन 2 मीटर, यानी x की जगह पे हम 25 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 25 × 50 और 50 × 2 = 52 मीटर। तो तरण ताल की लंबाई हो जाएगी, तरण ताल की लंबाई
बराबर 52 मीटर। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 2 पूर्ण होता है। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।